तो आज हम आपसे इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं और हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है कि हाउ इज बायोडाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट टू द प्लैनेट, यानी बायोडाइवर्सिटी हमारे प्लैनेट के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आपने जो टर्म ही स्टेट किया ना बायोडाइवर्सिटी, सो बायोडाइवर्सिटी इज हम जिस प्लैनेट पे रहते हैं तो इसमें सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, इसमें बहुत सारे फॉर्म, लोअर लेवल फॉर्म, मिड लेवल फॉर्म, अपर लेवल फॉर्म, जैसे फूड चेन जैसा हर एनिमल एक दूसरे पे, हर स्पीशीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, उसी तरह बायोडाइवर्सिटी में भी। जैसे इम्पोर्टेंस से पहले तो हम ये जाने कि बायोडाइवर्सिटी क्या, जब जिस एक पर्टिकुलर प्लेस में बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट लेवल कट करना जैसा कि आपने कहा कि बायोडाइवर्सिटी जो है आप एक ही जगह पर जब बहुत सारे डिफरेंट लेवल स्पीशीज एक जगह रखते हैं तो उसको बायोडाइवर्सिटी। तो अब बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस सर्वाइवल ऑफ द प्लैनेट, जैसे कि प्लैनेट में सिर्फ एक एलिमेंट तो नहीं सर्वाइव, वाटर रहने से प्लैनेट नहीं बनता, अगर ऐसा होता तो हमारे बाकी जो यूनिवर्स में जो दूसरे भी प्लैनेट्स हमारे सिस्टम है सोलर सिस्टम, वहाँ भी लाइफ होता। तो लाइफ को ही बनने के लिए बायोडाइवर्सिटी का मेन इम्पोर्टेंस फॉर द अपब्रिंगिंग एंड द सस्टेनेबल ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ द थिंग कॉल्ड लाइफ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, जैसा सिंपली हम बोल सकते हैं। तो अगर आप किसी भी जगह पर, चाहे आप प्लैनेट के किसी भी कॉर्नर पर हो, आपको चाहिए खाने के लिए खाना, आपको चाहिए लकड़ियाँ या अदर इन्वायरमेंटल सपोर्ट्स, और तीसरा है आपका डिपेंडेंसी डायरेक्ट भी होता है कि आपको भी कहीं जाना है, तो बायोडाइवर्सिटी आपको बहुत सारे चीज़ का सपोर्ट भी देता है। इकोसिस्टम जो होता है वो आपको हर चीज़ में सिस्टम में सपोर्ट देता है, जैसे कि आपको ऑक्सीजन, वाटर, ये आप अभी कोविड के टाइम आप सबको पता चल गया कि कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको कहीं से किसी मशीनरी से नहीं मिलता, आपका बायोसिस्टम या इकोसिस्टम आपको डेवलप कर देता है। फिर इसी तरह जैसे आप जो पेपर में लिख रहे हैं, जो पेपर आप यूज़ कर रहे हैं, जो गैसेस आप घर में कुक करने के लिए यूज़ करते, पुराने टाइम में लोग लकड़ियाँ यूज़ करते थे, तो वो कहाँ से आ रहा है, वो भी तो हम इकोसिस्टम से ही ले रहे हैं, तो वो हमारा सपोर्ट भी कर रहा है, तो हमें लाइफ भी दे रहा है, हमें लाइफ को सपोर्ट भी कर रहा है। और इसके अलावा जो फूडिंग हमारा पूरा फूडिंग हमारा इकोसिस्टम है, हम ऐसे कोई मशीन से बना हुआ स्टील या आयरन तो खाते नहीं, हम एवरीथिंग इज एग्रो बेस्ड, तो हम एग्रीकल्चर से या फिशेस या सी से लेते हैं या लाइफ स्टॉक से लेते हैं, इट इज ऑल सपोर्टिंग अ सिंगल सिस्टम हमारे लाइफ स्टाइल को सपोर्ट, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। दूसरा क्वेश्चन, इज बायोडाइवर्सिटी इन थ्रेट? यस, अब आप पूछेंगे कैसे, तो बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट बहुत सारी चीज़ें, हम जो है बहुत इरेस्पॉन्सिबल वे से हमारे रिसोर्सेज को यूज करते हैं, सही कि कोई प्लानिंग नहीं है हमारे, हम आगे 10 साल 30 साल बाद क्या करने वाले हैं, वी डोंट हैव अ प्रॉपर प्लानिंग। माइक्रो प्लानिंग हो सकते हैं बट मैक्रो प्लानिंग सॉरी मेजर प्लानिंग्स नहीं है, छोटे लेवल पर प्लान तो कर रहे हैं, जैसे हमने फ्यूल का क्रंच को देखकर इलेक्ट्रिकल व्हीकल बना लिया, या हमने बारिश सॉरी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम देखकर रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट हो गए, स्मॉल थिंग्स है, बट वॉट ऑल बड़े स्केल पर हम नहीं सोच रहे हैं। थ्रेट यस, बिकॉज आप सभी जानते हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन ये सब कुछ आपका थ्रेट में आ ही रहा है, और ये सब हम ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपने कहीं नहीं देखा होगा किसी जानवर को प्लास्टिक में कुछ लेके जाता होगा, तो प्लास्टिक जो है एक बड़ा प्रॉब्लम है आज के टाइम में। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारा जो सर्वाइवल टेक्निक है या सर्वाइवल रूटीन है, टेक्निक नहीं बल्कि रूटीन है, उसमें भी हम बहुत कुछ करते हैं जो बायोडाइवर्सिटी के लिए प्रॉब्लम है, जैसे कि आप एसी यूज़ कर रहे हैं तो हम सभी एसी यूज़ कर रहे हैं जस्ट टू कीप अस कूल, बट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एसी, इट इज इंक्रीजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर। हम गाड़ियों में जा रहे हैं, एक बंदा एक गाड़ी चला रहा है जबकि हम चार लोग एक गाड़ी में भी जा सकते हैं, कार पूलिंग करके या बस यूज़ कर सकते हैं, बट नहीं हम कार यूज़ कर रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ा रहे, हीट बढ़ा रहे, साउंड पॉल्यूशन, आपको खुद अगर आप खुद एक विलेज चले जाए तो यू फील वेरी पीसफुल बिकॉज वहाँ गाड़ियाँ नहीं है, हॉर्न नहीं है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वही जगह आप सिटी में आ जाए तो आपको कितने सारे साउंड्स आते हैं, मशीनरीज के, बिल्डिंग्स के, गाड़ियों के, बहुत कुछ, तो ये सारा भी बहुत टाइप ऑफ पॉल्यूशन हो गया है, तो इससे भी आप बायोडाइवर्सिटी नुकसान में जा रहा है। वाटर पॉल्यूशन तो आप सभी स्कूल्स में पढ़ते हैं,
हम किस किस तरह से वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं। सॉइल पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। सॉइल पॉल्यूशन इन द सेंस हम केमिकल सॉइल में डिस्चार्ज कर रहे हैं, हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं जिसके कारण हमारा टॉप सॉइल खराब हो रहा है। जब बारिश आती है तो हमारे पास पेड़ ही नहीं है टॉप सॉइल को रोकने के, तो वो टॉप सॉइल कहाँ चला जाता है? टॉप सॉइल पूरा का पूरा ड्रेनेज हो जाता है, या तो समुद्र में या तो नालों में या नदी में, तो वो आपका सॉइल पॉल्यूशन भी हो रहा है। तो एयर हो गया, वाटर हो गया, नॉइज हो गया, आप हर तरह से अगर पॉल्यूशन को आप देखिए आस्ते आस्ते बढ़ा रहे हैं। तो बायोडाइवर्सिटी इज इन डेंजर, देयर इज नो क्वेश्चन। व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस? बायोडाइवर्सिटी लॉस मेन प्रॉब्लम इज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन है एंड इम्प्रॉपर यूसेज ऑफ अवर रिसोर्सेज है। पॉल्यूशन मैंने आपको थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको हाईलाइट कर दिया। रिसोर्स यूसेज पे मैं जैसे आपको बता रहा था कि फ्यूल्स है, हम फ्यूल को कहते हैं फास्ट से यूज। फ्यूल हमारा एक फॉसिल रिसोर्स है, ना कि किसी फैक्ट्री में बन रहा है, वो फॉसिल से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, देन इट इज गेटिंग प्योरीफाइड। तो उसको भी हम यूज़ बहुत तेज़ी से कर रहे हैं इन नॉट अ कंट्रोल्ड वे। दूसरा, बायोडाइवर्सिटी में अगर आप देखें तो बायोडाइवर्सिटी में फिशिंग एग्जाम्पल है। फिशिंग में देखिए अभी क्या होता है कि एक बहुत बड़ा एरिया है, पर लोग क्या है किसी एक पर्टिकुलर जगह पे फिशिंग करते हैं, फिर दूसरी जगह करते हैं, तो वो जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ वो फिश का साइज डिक्रीज होता जा रहा है, बिकॉज फिशिंग प्रेशर बढ़ रहा है। एक स्पीशीज हो गया, सपोज आप एक स्पीशीज ले लें जैसे रेड मैक्रेल या जीटी या कोई भी फिश ले लें, अब सब उसको डिमांड करते हैं, लॉबस्टर सब चाहते हैं लॉबस्टर खाना। तो अब लॉबस्टर का एक लाइफ साइकिल होगा ना, उसको भी ग्रो होके मतलब जन्म लेकर बड़ा होने में टाइम लगता है, बट हम उतना टाइम रुकना नहीं चाहते, हमको वो पहले चाहिए, तो हम उसका ग्रोथ ही पूरा नहीं होने दे रहे, हम उसे पहले कंज्यूम कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल हनी भी है। हनी है, आप हनी का यूजेज देखिए, अभी हनी कितना भी यूज़ कर रहे हैं, तो हनी हम लोग एक्सट्रैक्ट कितना तेज़ी से करने लग गए। तो ये सारी चीज़ें जो है पर्टिकुलर सिस्टम में प्रेशराइज सिस्टम कर देती है आपको, या तो उसको जल्दी एक्सट्रैक्ट करना पड़ रहा है, या तो उसका नेचुरल वे से बदली आप उसको आर्टिफिशियल वे से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, विच इज अगेन डिस्टर्बिंग योर बायोडाइवर्सिटी। तो अब अगर मछलियाँ बराबर साइज पे बड़ी नहीं होंगी तो वो प्रॉपर वे से रिप्रोडक्ट ही नहीं करेंगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उनका पॉपुलेशन ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। अगर आप बर्ड्स के सेंस पे जाए तो देर आर स्टडीज वेयर इट शोज कि बर्ड्स आर गेटिंग स्मॉलर, बर्ड्स आर गेटिंग स्मॉलर इन साइज। व्हाई? बिकॉज द वर्ल्ड इज गेटिंग वेरी कॉम्पिटिटिव फॉर देम, वो उतना ग्रो ही नहीं हो पा रहा। अभी आप पहले उनको बहुत सारे इंसेक्ट्स मिलते थे, अब उतना नहीं, क्योंकि हम इंसेक्ट्स आधा मार देते हैं, ठीक है, आधा उस समय को आधा इंसेक्ट्स ग्रो ही नहीं हो पाता जो उनको सिस्टम चाहिए होता है। तो बायोडाइवर्सिटी का इंपैक्ट वहाँ तक चला गया। इफ यू गो टू सम वेरी फार फ्लंग प्लैनेट्स, हम ऐसे सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं ना वो हमारा प्रॉब्लम लोकल हो, हमने अगर एक एसी चला लिया तुम घर पे, ज़्यादा ज़्यादा घर के बाहर थोड़ा सा गर्मी पड़ रहा है, बट ऐसा नहीं। अगर आप देखिए तो सोनम वांगचुक, आप सब जानते होंगे, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है जो लद्दाख में काम करते हैं, ही इज ऑल्सो शेयरिंग द सेम इशू कि लद्दाख में आइस मेल्टिंग बहुत फास्ट हो रही है, दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल द आइस, ठीक है, रिसोर्सेस नहीं है। ऐसे अगर आइस चला गया तो वो एग्रीकल्चर कैसे करेंगे? ठीक, इसी तरह यू गो टू अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में द आइस मेल्टिंग प्रोसेस इंक्रीज एट ए वेरी फास्टर है, क्योंकि हम एक ही घर में चला चला कर ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। इट्स एसी इज जस्ट अ वर्ड, मतलब बहुत सारे वेज से हम कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब इससे क्या होता है कि पेंगुइन्स का पॉपुलेशन ड्रॉप हो रहा है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू रीच टू द डेस्टिनेशन, आइस पहले ही ब्रेक हो जाती है, वो आइस ब्रेक के अंदर क्रश हो जाते हैं, या दे गेट प्रीडेटर वेरी इजीली, मतलब एक प्रीडेटर को बहुत इजीली उनको कंज्यूम करने मिल रहा है, तो वहाँ पे इम्बैलेंस हो रहा है, पॉपुलेशन इम्बैलेंस होते जा रहा है। अभी आप अगर अपने घर के अगल बगल देखें तो आप पहले देखते होंगे तो सेंटीपीड आपके घर के आसपास बहुत देखते हैं, अब नहीं देखता क्योंकि उसको खाने को चीज़ें नहीं, या उसको कोई और ही कंज्यूम जल्दी करना था, उसका टाइम पूरा नहीं हो पाता। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे बायोडाइवर्सिटी जो है पूरा का पूरा थोड़ा एक झटके में तो नहीं, बिकॉज इट्स अ वेरी ह्यूज सिस्टम, बट स्लोली द डिक्लाइन इज हैपनिंग एंड इन कमिंग डेज ये थोड़ा और फास्ट हो जाएगा, दैट्स व्हाट आई फील। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ डज क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट बायोडाइवर्सिटी? मैंने आपको जैसे बताया ना क्लाइमेट चेंज क्या, क्लाइमेट चेंज इज नाउ अगर हम अपने आइलैंड को ही देखें, कमिंग टू अंडमान आइलैंड्स, अगर आप बच्चों को याद हो तो आज से 7-8 साल पहले आप साइक्लोन कितनी बार सुनते थे, वंस इन अ ईयर,
इट वॉज सेट लाइक एक ईयरली इवेंट होता था कि अरे साइक्लोन आ रहा है। पिछले तीन साल से क्या हो रहा है, साल में दो तीन साइक्लोन आ रहे हैं, और पिछले एक दो साल से क्या हो रहा है, साल में पांच चार साइक्लोन आते हैं, आपको हर मंथ एक साइक्लोन वार्निंग आती है, तो वो क्या हो रहा है, दैट इज क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज होता है, साइक्लोन क्रिएट हो रहा है, तो बायोडाइवर्सिटी पे तो इम्पैक्ट होगा ही होगा, क्योंकि साइक्लोन इज नॉट समथिंग वेरी इजी, मतलब इफ साइक्लोन हैपेंस तो बहुत डैमेज भी होता है इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट, इन टर्म्स ऑफ एनिमल्स, बहुत चीज डैमेज। तो ये एक तरह से आपका बायोडाइवर्सिटी को चेंज कर रहा है। नाउ अगर आप पोर्ट ब्लेयर सिटी में रह रहे हैं, अंडमान जैसे छोटे जगह पे रह रहे हैं, जहाँ ऑलरेडी रिसोर्स लिमिटेड है, मतलब आपके पास पानी के लिए कोई रिवर नहीं है, आपके लिए पानी का ओनली सोर्स रेन है। नाउ अगर क्लाइमेट चेंज है तो आपका रेन का पूरा शेड्यूल चेंज हो गया। आप बच्चों को याद होगा, अगर हम जब बच्चे थे तो हमें समर वेकेशन मिलता था, हम उसको रेन वेकेशन बोलते थे, क्योंकि हमारा बारिश अप्रैल एंड मई से शुरू हो जाता। लेकिन ऑनेस्टली अभी आपको ऐसा लगता है कि बारिश होता है, अभी बारिश नहीं होता, बारिश हैपेंस इन पॉकेट्स, थोड़े थोड़े गैप में हो रहा है, नॉट अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो क्लाइमेट चेंज बायोडाइवर्सिटी को इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि आपने फॉर एग्जांपल आपने घर पे खाना बनाना शुरू किया और सडनली आपको गैस खत्म हो, तो आपको खाना नहीं बनेगा, तो आपका खाना थोड़ी देर रहेगा, आप गैस चेंज करोगे बनाओगे, तो आपका क्या क्या जा रहा है, न्यूट्रिशनल क्वांटिटी ऑफ द फूड जाता है, ठीक है, आपका गैस जा रहा है, आपका टाइम जा रहा है, तो आप सब कुछ तो लूज कर रहे हैं। तो सेम उसी तरह है ना, कि बारिश अगर टाइम पे नहीं हो रही है तो पूरा प्रोसेस चेंज हो गया, या एक वेदर टाइम पे नहीं आ रहा है, वेदर आगे पीछे है, क्रॉप्स आप सब कोई फसल कर रहे हैं, अभी जिन्होंने ये राइस का पैडी का फसल लगाया होगा और बारिश नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ह्यूमंस पर डिपेंड हो रहा है, जो बाकी ऑर्गेनिजम्स है, जैसे अभी अगर आप देखें तो 60% ऑफ द बर्ड्स नेस्टिंग कब करते हैं, 60% ऑफ द बर्ड्स नेस्टिंग करते हैं जब वो एग लेइंग करते हैं, वो ऐसे समय को एग लेइंग करते हैं कि जब उनके यंग वंस बाहर आए तो उस समय बारिश चालू हो गया। रीजन बड़े सिंपल है, आप जब छोटे होते हैं ना, तो आप जब बॉर्न होते हैं, आपके पेरेंट्स आपको सबसे ज्यादा क्या देते हैं, प्रोटीन, मिल्क, अंडा, दाल का पानी, प्रोटीन, राइट। उसी तरह बर्ड्स को, बाकी एनिमल्स को भी प्रोटीन चाहिए विद द चिक्स आर बॉर्न। प्रोटीन कहाँ से आएगा, एक फ्रूट ईटिंग पिजन प्रोटीन कहाँ से लाएगा, या फ्रूट ईटिंग बर्ड प्रोटीन कहाँ से लाएगा, वो लाएगा कीड़ों से। तो कीड़ा कब आता है, बारिश में ही आता है ना। अब वो बारिश ही अगर 3 महीने पीछे चला गया तो फूड कहाँ आएगा। तो अगर 300 या 400 बच्चे आए हैं, छोटे बच्चे, तो फूड में कॉम्पिटिशन हो गया ना, तो 300 में से 200 को मिलेगा, 200 नहीं सर्वाइव, ऑब्वियसली वो तो सुपरमार्केट जाकर शॉप नहीं कर सकते, राइट। तो बर्ड्स पे उसमें कंपटीशन बढ़ गया, फिर उसमें ऐसा भी होगा एक बर्ड दूसरे बर्ड को हंट करके, क्योंकि फूड कम है, तो बायोडाइवर्सिटी आपका पूरा चेंज हो रहा है, दैट इज हाउ द क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग द बायोडाइवर्सिटी। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन ये है कि हाउ डज बायोडाइवर्सिटी डिटरमाइन द फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम इज जो आप नेचुरल प्रोसेस को, जैसे मैंने अभी आपको बोला, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स वन, इट्स एन इकोसिस्टम। अभी आप सिंपल रेन के सिस्टम समझिए, से रेन क्या होता है, समर्स इवेपोरेशन हैपेंस, फिर वो क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, एंड देन दे वेट फॉर द प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर वेट, उसके बाद वो वापस जमीन पे गिरते हैं, दैट इज हाउ द रेन प्रोसेस हैपेंस। अगर अब समर ही एक्सटेंड हो गया, ज़्यादा खींच गया, तो आपका पूरा सर्कल चेंज हो जाता है, तो दैट इज हाउ द इकोसिस्टम इज वर्किंग। तो अभी बायोडाइवर्सिटी अगर घूम गया, चेंज हो गया, सपोज नाउ अभी आप एग्जाम्पल समझिए, अभी निकोबार आइलैंड में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, एक हार्बर बन रहा है, तो अभी जब बनेगा तो सिर्फ हार्बर ऐसे जाकर आप रख तो नहीं दोगे, आप वहाँ पे मशीनरीज लेके जाओगे, आप वहाँ पे मटीरियल्स लेके जाओगे, ठीक है, जब मटीरियल्स जाएंगे तो उनको लगाने के लिए लेबर जाएगा। तो अभी एक इकोसिस्टम में आपने एक्सटर्नल फैक्टर्स इंट्रोड्यूस कर दिए, एक बायोडाइवर्सिटी में, तो उसका सिस्टम चेंज हो गया, क्योंकि पोल्यूशन होगा, वहाँ पे पोल्यूशन होगा, अब प्रोसेस उसका चेंज हो रहा है, तो बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट होगी, बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट होगी तो आपके इकोसिस्टम चेंज हो रहा है, तो इकोसिस्टम को पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी ही चलाती है। तो अगर द फ्यूल इज नॉट देयर तो इंजन कैसे चलेगा, so that is how the biodiversity is affecting the ecosystem. Hamara sixth question hai, what are the main species found in Andaman and Nicobar Islands?
अंडमान निकोबार आइलैंड एक बहुत ही फार फ्लंग आइलैंड है. सो वी हैव सम वेरी एक्सक्लूसिव एंडेमिक स्पीशीज का काउंट यहाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सालों पहले अंडमान निकोबार बन गया. लाइक हिस्टोरियंस से कि जारवास और इनका एज भी हम नहीं जानते कब से वो अंडमान में, तो शायद तब से फॉरेस्ट भी है. तो अंडमान में फॉरेस्ट इतना बुरा था तो उस समय से फॉरेस्ट ने अपने आप को इन्वॉल्व किया, उसी तरह स्पीशीज ने भी अपने आप को इन्वॉल्व किया. तो अब क्या है, आपके पास में बहुत बढ़िया मरीन बायोसिस्टम है. अगर आप मरीन में देखें तो आपके पास मरीन इकोसिस्टम बहुत अच्छा है. अभी भी अंडमान में बहुत सारे आइलैंड, बहुत सारे पार्क्स, कोरल्स अनटच्ड हैं और वो इकोसिस्टम बहुत अच्छे से थ्राइव कर रहा है. उसी तरह अगर आप प्लांट्स में आए तो देर आर वेरियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट सिस्टम. मतलब यहाँ ग्रासलैंड शायद कम है बट यू हैव वेरी गुड एवरग्रीन फॉरेस्ट. एवरग्रीन फॉरेस्ट में बहुत बायोडाइवर्सिटी रिच होता है, ठीक है. मतलब यू हैव ट्रीज ऑफ एवरी हाइट, ऊपर कैनेपी से लेके मिड लेवल से लेके नीचे स्ट्रक्स तक. एंड देन जब इतनी कैनेपीज और इतना फॉरेस्ट है तो इतने सारे स्पीशीज होते हैं. स्पीशीज में फिर वी हैव लेस मैमल्स, मैमल्स हमारे पास लेस है बिकॉज हमारे पास एलिफेंट, स्पॉटेड डियर, ये सब इंट्रोड्यूस स्पीशीज, इनको अंग्रेज लाए थे अंडमान में किसी कारण से और वो यहाँ रह गए. अदरवाइज मैमल्स का स्पीशीज कम है, वी हैव वेरी लेस मैमल्स, बट वी हैव वेरी गुड पॉपुलेशन ऑफ एंडेमिक बर्ड्स, एंडेमिक बटरफ्लाइज. और आई थिंक हमारा हर्प यानी कि स्नेक्स, लिजर्ड्स, ये सब बहुत अच्छा रिच एंडेमिसिटी है. तो देर आर मेनी स्पीशीज विच आर थ्राइविंग वेरी गुड इन दिस आइलैंड्स. एंड द इको सॉरी द मरीन सिस्टम एज यू नो, टर्टल्स, देर आर मेनी स्मॉल एंथ्रोपोड, मतलब बहुत कैटेगरीज ऑफ स्पीशीज यहाँ पे थ्राइव कर रहे हैं अच्छे से. सो देर आर मेनी स्पीशीज, वी कैन नॉट काउंट देम बट देर आर वेरी गुड नंबर ऑफ स्पीशीज इन द अंडमान आइलैंड्स बिकॉज अंडमान आइलैंड स्टिल नॉट डिस्टर्ब एज अदर इकोसिस्टम्स इन द प्लैनेट. फ्यू अमंग्स द फ्यू वेरी अनडिस्टर्ब प्लेसेस में आता है आज भी अंडमान निकोबार, क्योंकि अंडमान में अभी भी 84% फॉरेस्ट है और उन फॉरेस्ट में ज्यादा वर्क नहीं होता है. एज यू ऑल नो, मतलब वी आर अ मेंबर ऑफ अंडमान एलियंस क्लब, हम एक बर्ड वॉचिंग क्लब से. तो जैसे कि मैंने कहा कि अंडमान इज होम टू 28 एंडेमिक स्पीशीज ऑफ बर्ड्स जो कि इंडिया में हाईएस्ट है. अदरवाइज अगर आप किसी और स्टेट जाए तो एंडेमिसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, 8-10 ऐसा रहेगा, बट अंडमान इज 28 बर्ड्स. बट द प्रॉब्लम इज द लैक ऑफ अवेयरनेस. इफ द प्रॉब्लम हैपन्स, बायोडाइवर्सिटी में भी जो नुकसान हो रहा है, इकोसिस्टम में जो प्रॉब्लम हो रहा है, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है लैक ऑफ अवेयरनेस. लोग नहीं जानते कि हम क्या लूज कर रहे हैं. तो हम कोशिश कर रहे हैं हमारे क्लब की तरफ से कि हम लोगों को समझाएं कि व्हाई बर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट एंड व्हाई बर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ सस्टेनेबल इकोसिस्टम. तो वेरी सिंपल वे, फॉरेस्ट जो होता है ना, फॉरेस्ट क्रिएट ही होता है बर्ड्स, फ्रूट ईटिंग एनिमल्स, सेवन कैट्स, बर्ड्स से, इनसे होता है, क्योंकि ये सीड्स खाते हैं और डिस्पर्स करते हैं. तो अगर बर्ड्स ही नहीं रहेंगे, जैसे बीज, किसी ने कहा था इफ द बीज आर नॉट देयर वी नीड ओनली 3 or 4 ईयर्स टू कम्प्लीटली गेट एक्सटेंड. सेम उसी तरह बर्ड्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और बिल्कुल अवेयरनेस के पीछे लोगों को उनका कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इकोसिस्टम नहीं पता चलता. तो दिस इज आवर मिशन, देन वी ट्राई टू एक्सप्लेन देम द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑलमोस्ट एवरी स्पीशीज ऑन दिस ब्यूटीफुल आइलैंड. तो आप अवेयरनेस कैसे फैलाना चाहते हैं? अवेयरनेस का बहुत सारा मटेरियल, मतलब मेथड्स होता है. लाइक नंबर वन, वेन इट इज अ टेक्निकल वे, जैसा आप एकदम किसी साइंटिफिक वे से अप्रोच करना चाहते हो तो वो एक हो गया. दूसरा होता है जो हम करते हैं जिसको सिविल वे से बोलते हैं, मतलब ये सोसाइटी वे से, जिससे हम स्कूल्स में मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं. आज क्या है कि वी हैव ऑलरेडी क्रॉस द जनरेशन ऑफ 30-40 ईयर्स हमारा हो गया, हमसे आगे जो उन्होंने 50 ईयर्स हो गए. तो अब उनके हाथ से कॉन्जर्वेशन का काम बहुत कम होगा एंड उनके लिए भी कॉन्जर्वेशन का कंसर्न इतना बड़ा नहीं. बट आप बच्चे फ्यूचर है, आपको कल सस्टेन भी करना है, सर्वाइव भी करना है और फ्लरिश भी करना है. तो आप अगर इन चीज़ों को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो ना ही
ना केवल सर्वाइवल बट इवन अदर थिंग्स विल कम इनटू प्रॉब्लम. तो हम लोग टारगेट करते हैं स्कूल बच्चों उसको, उनको समझाते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि उन्हें भी क्या लगता है कि और क्या होना चाहिए. बिकॉज कॉन्जर्वेशन इज नॉट अ वेरी सिंपल, इट्स जस्ट अ सिंपल वर्ड बट नॉट अ सिंपल प्रोसेस. क्योंकि हम सोचते हैं कि आप किसी को बोल देंगे कि आप हंटिंग मत करो, बट ये समझना पड़ेगा कि वो हंट क्यों करते हैं. इज देयर अ रियली अ वैलिड रीजन? क्योंकि उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, या वो शौक के लिए कर रहा है. तो फिर शौक के लिए कर रहा है देन इज ऑन द रॉन्ग टाइम. और अगर वो रियली अपना लाइवलीहुड के लिए कर रहा है तो देन वी हैव टू थिंक कि हम उनको क्या ऑप्शन कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ द आवर प्रोसेस इज टू अंडरस्टैंड फर्स्ट द रीजन ऑफ दिस लैक ऑफ अनअवेयरनेस एंड देन ट्राई टू फिल दिस गैप्स. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. Eighth question is, what do you know about the risks that plant and animal species face in this area? Andaman. Hunting, illegal poaching, okay. And that's what say third point is, the lack of awareness of their existence. So, ye teen cheeze hai, jinke karan, and the fourth very important, unplanned development. This is a bigger problem than any of this. Hum ye nahi samajh rahe hai, कि पुराने समय में लोग क्यों बड़े बड़े ड्रेन रखते थे. हम ये नहीं समझ रहे कि लोग पुराने समय में रोड के साइड पे प्लांट पेड़ क्यों काटते. हम ये सोचते हैं कि उन्होंने तो बड़ा बड़ा जब जगह थी बहुत सारे तो उन्होंने कर दिया, बट ऐसा नहीं है. कि इफ यू सी आप अगर अंडमान में अभी भी बहुत जगह जाए तो आपको रेन ट्री दिखता है. रेन ट्री क्या था? रेन ट्री इसीलिए था ताकि वो रेन को कैप्चर करे, उसको होल्ड करे ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए. तब के लोगों ने सोचा था और आज भी वो वैलिड है. तो वो एक प्रॉब्लम है. और अनप्लांड डेवलपमेंट देखिए, अभी आप यहाँ में कुछ वेटलैंड्स हैं जहाँ पे पहले सुनामी के समय पानी भर गया और उससे आज एक डिफरेंट इकोसिस्टम डेवलप हुआ. वहाँ श्रिम्स आ गए, बर्ड्स आ गए, छोटे 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 और ऑर्गेनिज्म उस पर डिपेंड हो गए. बट प्रॉब्लम इसके हमने उसको वैल्यू ही नहीं किया. हमने फिर से उनके ऊपर मट डाल दिया और हमने अपनी बिल्डिंग स्टार्ट किया. बट what if a tsunami happens tomorrow again? Will this sustain? मेरे को नहीं लगता sustain करेगा. लोग mangroves cut करते हैं कभी कभी अपने एरिया में हो गया है, but mangroves were the biggest barrier for our tsunami protection. अगर हम mangroves forest को loss करेंगे तो हमें tsunami से कौन बचेगा जब अगली बार आएगा. तो this is what is happening is unplanned development. हम अंडमान में एक sustainable way से ही, अंडमान एक छोटा जगह है लिमिटेड रिसोर्स, अगर यहाँ पे लोग बढ़ जाएंगे तो हम उस पर क्वेश्चन, हम उनके रिसोर्स उनके रिक्वायरमेंट्स कैसे पूछेंगे, वो प्लानिंग हमारा गलत होता है. तो दिस इज हाउ द अंडमान और द प्लेसेस आर इन प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मैं कुछ समय से गार्डनिंग और एग्रीकल्चर के लोगों से जुड़ा हुआ हूँ. तो अंडमान का जो सॉइल है ना बहुत क्लीन है और कुछ जगह पे लूज है और बाकी सैंडी है. तो यहाँ पे ना मास एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करना बहुत डिफिकल्ट है. और आपने भी देखा होगा कि यहाँ पे आइदर लोग अरेक्मेंट या पैडी करते हैं, बिकॉज बाकी चीज़ें करने के लिए हमारे पास सॉइल का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं, क्योंकि हमारा सॉइल न्यूट्रिशनल कम है. तो हमको उसको आर्टिफिशियली मतलब यानी कि बाहर से और न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड करना पड़ता है. दैट इज़ द चैलेंज जो यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड के लोग फेस करते हैं. तो थैंक यू, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला. थैंक यू वेरी मच. वेलकम एंड ऑल द बेस्ट टू यू. थैंक यू.